नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। देश में संसद चल नहीं पा रही, विपक्ष पूरा एक हो नहीं पा रहा। 400 दिन लोकसभा चुनाव में बचे हैं। ईडी सीबीआई की भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से विपक्षी नेताओं में हलचल मची हुई है। सियासत की हर दस्तक के बीच सबसे बड़ा इंटरव्यू आज तक ने किया। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार नरेंद्र मोदी की ही बनेगी। आपकी चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और मोदी जी तीसरी टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आप कहते हैं राहुल गांधी की माफी होनी चाहिए और विपक्ष कहता है कि अडानी पर जेपीसी होना चाहिए, तो पार्लियामेंट चलेगी या नहीं चलेगी? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्लियामेंट अकेला सत्ता पक्ष या अकेला विपक्ष नहीं चला सकता, दोनों के बीच में संवाद होना चाहिए। मैं इस बार जो विवाद हुआ है इसको बारीकी से देख रहा हूं, पार्लियामेंट में ही पूरा दिन देर रात तक बैठता हूं। हमारे इनिशिएटिव की बात भी उस ओर से कोई चर्चा का प्रस्ताव भी नहीं आता है, बात किसके करें? बात मीडिया में कर रहे हैं। जैसे रोड पर बोलते हैं ऐसे पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। अब इतने बेसिक कंसेप्ट ही अगर क्लियर नहीं तो हम भी क्या कर सकते। पार्लियामेंट चलाने के एक नियम बने और वो हमने नहीं बनाए हैं, उनकी दादी के पिताजी के समय से चल रहे हैं। तो पहले अब उनकी माफी होगी या पहले जेपीसी बैठेगी? अरे ऐसा है सुधीर भाई, इसकी चर्चा स्पीकर की उपस्थिति में करनी चाहिए दोनों दलों ने मिलकर। चले मैं तो आज ही कह देता हूं कि स्पीकर साहब के पास जाकर चर्चा करिए, आपके कार्यक्रम के माध्यम से ही कह देता हूं। राहुल गांधी अभी ब्रिटेन गए, वहां पर बहुत सारी बातें वो करके आए, उसके बाद आपकी पार्टी ने, सरकार के मंत्रियों ने भी उसको पार्लियामेंट में बहुत जोर शोर से उठाया। क्या आपको लगता है इतनी बड़ी बात थी, एक राष्ट्रीय महत्व की वो इतनी बड़ी बात थी कि पूरी सरकार इस बात को उठाने में लग जाए और आप इससे राहुल गांधी का ही महत्व और बढ़ा रहे हैं? किसी का महत्व किसी के बढ़ाने से नहीं बढ़ता है, अपने कामों से बढ़ता या कम होता है, तो वो चिंता तो आप मत करिए। जहां तक मेरी पार्टी के रिएक्शन का सवाल है, हमारा रिएक्शन राहुल जी के लिए नहीं है, उनके कंडक्ट के लिए है। हम ना उनकी पर टिप्पणी करें ना उनके उद्गारों पर टिप्पणी करें। भारत की विदेश में जाकर बुराई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसी और देश की संसद में जाकर बुराई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस बात पर हमारा टिप्पणी है। और मैं मानता हूं कांग्रेस ने देश को कभी ना कभी इसका जवाब देना पड़ेगा। पर आप माफी पर बिल्कुल अड़े नहीं है कि माफी मांगनी ही पड़ेगी? भाई अड़े है नहीं अड़े है, आप स्पीकर नहीं हो। मैंने कहा कि स्पीकर के सामने बैठकर दोनों पार्टियां चर्चा करें, दो कदम वो आ गया है, दो कदम हम आ गया है, संसद चलने लगेगी। मगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और एक्शन में कुछ नहीं करना, ऐसे नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी ने कल कहा जब वो पार्लियामेंट आए कि शेर आया, संसद में शेर आया। तो आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की छवि पर भी बहुत एक काम हो रहा है? पहले उनको तपस्वी कहा गया, फिर अब जब वापस आए तो कहा गया कि अब शेर आ गया है पार्लियामेंट में, अब फिर शेर आने के बाद वो कह रहे हैं कि पूरी मोदी सरकार मुझसे डर गई है। देखिए, जनता बहुत महिम तरीके से सारी चीजें देखती है। ये पूरी तपस्या के बाद नॉर्थ ईस्ट में 3 चुनाव हुए, तीनों चुनाव हार गए, कहीं कुछ नहीं आया, एक भी जगह 5 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए और तीनों उनके स्टेट थे, ये पूरी तपस्या के बाद हुआ है। लगातार गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार पर हमला हो रहा है और जेपीसी की मांग हो रही है। ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी की बहुत मदद की है, उस पर अभी तक देश ने आपका पक्ष नहीं सुना है और आज मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये मंच है जहां बता सकते हैं लोगों को। नहीं, मैं बड़ी स्पष्ट, हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज का संज्ञान लिया, एक कमेटी बनाई है, 2 रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसके सामने सभी लोगों के पास जो तथ्य है
वो रखने चाहिए, किसी को नहीं बख्शना चाहिए अगर कुछ गलत हुआ है तो, और वो न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। उसके बाद में भी अगर लगे रिपोर्ट ठीक नहीं है तो जरूर उठाना चाहिए। ये प्रक्रिया को आप फॉलो नहीं करोगे और आपको लगता है कि ऐसे मुद्दे को उठाकर देश को गुमराह कर दोगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। जनता भली भांति जानती है, आरोप तब चिपकते हैं कि व्यक्ति का कंडक्ट, पास्ट का जीवन उस आरोप के अनुरूप हो। इस तरह से आरोप नहीं चिपकती है। संसद का यह हफ्ता भी हंगामे में बीत गया। आज नया विवाद आया, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि माइक बंद करने के बाद अब लोकसभा में कार्यवाही की आवाज भी म्यूट की जा रही। सूत्र कहते हैं कि जानबूझकर कुछ नहीं हुआ, तकनीकी खराबी हुई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? आसार आगे भी संसद के शांति से न चलने के ही हैं। सदन नहीं चलाना चाहते आप? हाउस ऑर्डर में आएगा, माननीय सदस्य सबको मौका देंगे, लेकिन हाउस ऑर्डर में आना चाहिए। आप नहीं चलाना चाहते सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन ऑर्डर में नहीं आ पाया, ये नई बात नहीं। बजट सत्र के दूसरे हिस्से का पहला पूरा हफ्ता बीत गया। जनता के हिस्से, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सियासत का नतीजा कुल जमा ये रहा। जहां शुक्रवार को लोकसभा 21 मिनट, राज्यसभा 17 मिनट चल पाई। गुरुवार को लोकसभा 4 मिनट, राज्यसभा 3 मिनट चली। बुधवार को लोकसभा 15 मिनट, राज्यसभा 16 मिनट। मंगलवार को लोकसभा 12 मिनट, राज्यसभा 88 मिनट। और सोमवार को लोकसभा में 20 मिनट, राज्यसभा में 36 मिनट का काम हुआ। बच्चे भी इससे ज्यादा देर एक बार में बैठकर पढ़ाई कर लेते हैं, जिससे कम देर हमारे देश की संसद के दोनों सदन इस हफ्ते चले। 5 दिन में कुछ नहीं नया हुआ, बस शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद नया विवाद हुआ। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ। एक मिनट के भीतर लोकसभा की कार्यवाही का संसद टीवी पर ऑडियो सुनाई देना बंद हुआ। 11:19 के करीब ऑडियो फिर आया, आवाज सुनाई दी। 11:19 पर ही ऑडियो कुछ ही सेकंड में फिर बंद होकर तुरंत चलने लगा। 11:19 पर ही लोकसभा की कार्यवाही फिर संसद टीवी पर म्यूट लगने लगी। 11:20 पर सिर्फ स्पीकर जब बोलने चले ऑडियो फिर सुनाई दिया। तब तक देश में विपक्ष ने आरोप लगा दिया कि जानबूझकर लोकसभा की कार्यवाही को म्यूट किया जा रहा है। अगर लोकसभा टेलीविजन का ऑडियो बंद था तो अध्यक्ष जी को इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि जब हाउस चल रहा है तो लोकसभा टीवी का ऑडियो क्यों बंद था, जो सदन में हो रहा है उसकी कार्रवाई लोगों तक क्यों नहीं जा रही। इस विवाद में कोई सामने आकर नहीं बोला, सूत्र बोले, कहा कि जानबूझकर ऑडियो बंद नहीं हुआ, तकनीकी खराबी हुई। तब तक जो शोर अंदर सुनाई नहीं दिया, विपक्ष की वो आवाज संसद के परिसर में बाहर गूंजने लगी। कुर्सी पर सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बैठे दिखे। बाकी दलों के नेता प्रदर्शन करते नजर आए। सबसे तेज आवाज केजरीवाल की पार्टी के संजय सिंह की सुनाई दी। अब सवाल है आगे क्या होगा। पहली आशंका है कि संसद में अगले हफ्ते भी हंगामा ही होगा। वजह, बीजेपी चाहती है राहुल माफी मांगे तब बात होगी। विपक्ष कहता है पहले संसद में बोलने दो और अदाड़ी विवाद में जेपीसी की जांच करो। आखिर क्यों पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी है? आखिर क्यों देश विरोधी कांग्रेस नेताओं की भाषा एक जैसी है? विदेशी ताकतें भारत में को कमजोर और मजबूर गठबंधन की सरकार चाहती है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने फायदे में सरकार का उपयोग कर सके। भारत को कमजोर और डीप स्टेट का षड्यंत्र है जिसमें कांग्रेस सहित तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स मिले हुए हैं, पर इस देश के करोड़ों देशभक्त नागरिक कांग्रेस और विदेशी षड्यंत्रकारियों की इन मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। आजादी के वक्त भी उन्होंने कभी देश को आजादी दिलाने में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो खुद ही एंटी नेशनल है
और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। ये नड्डा जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। ऐसे स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे। हंगामे के अलावा विवाद और इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि अब बीजेपी सांसद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए विशेष समिति बनाने की मांग कर रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में सोनिया और राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। इसको मैंने कहा है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है और उसको बिहारी शब्द में कहा जाता है मनबढ़ू या ढीठ। तो वो मनबढ़ू भी हैं और वो ढीठ भी हैं और उनको चूंकि संसद में कोई भी उसके आन बान शान प्रतिष्ठा के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है तो इसीलिए वो आए वो जाएं। कैजुअल लीडर के बारे में क्या बात कर? हम सदन में नहीं बोलने को पा रहे हैं इसलिए हम यहाँ गांधी जी की शरण में बैठ करके संसद भवन परिसर में नारे लगा रहे हैं कि जेपीसी गठित करिए, अडानी घोटाले की जांच कराइए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भागना बंद करिए। लड़ाई धीरे धीरे मोदी बनाम राहुल पर केंद्रित होती जा रही। जहाँ भले कांग्रेस के साथ प्रदर्शन में 16 दल नजर आते हो लेकिन शुक्रवार को ही विपक्ष के दो बयान सामने आते हैं। कोलकाता में अखिलेश यादव कहते हैं कि अभी उनकी पार्टी का स्टैंड कांग्रेस और बीजेपी से उचित दूरी का है और टीएमसी नेता सुदीप बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी देश हो या राज्य हर राजनीति में अपने दम पर अकेले चलेगी। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। सुकेश चंद्रशेखर का नाम याद करिए जिसने बड़ी बड़ी हीरोइनों से लेकर उद्योगपतियों के परिवारों तक को ठगा। लेकिन अब सुकेश चंद्रशेखर से भी बड़े ठगबाज की खबर आई है। ऐसा जालसाज जो दावा है कि अक्टूबर से जम्मू कश्मीर जाकर पूरी व्यवस्था को ठगता रहा, प्रधानमंत्री कार्यालय में खुद को शीर्ष अधिकारी बताकर गुजरात के किरण पटेल नाम के इस ठग नंबर वन ने जम्मू कश्मीर के कलेक्टर से लेकर पूरे सरकारी तंत्र को अपने इशारे पर नचा दिया। पोल कैसे खुली, खेल कैसे किया, कहानी दिलचस्प है, ध्यान से देखिए। चारों तरफ हाथ में बंदूक लिए सुरक्षा बलों का सिक्योरिटी कवर, बर्फ की वादियों में जेब में हाथ डालकर घूमते इसी शख्स ने जालसाजी का विश्व रिकॉर्ड तोड़कर दावा है पूरी व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में अपनी जेब में रख लिया। नाम है किरण भाई पटेल। मूल पता अहमदाबाद गुजरात। गिरफ्तारी श्रीनगर में हुई। पूरी कहानी अब आप आज तक संवाददाताओं की जुबानी सुनिए। जम्मू कश्मीर में एक महाठग की जालसाजी से हड़कंप मच गया है। किरण पटेल के नाम से सोशल मीडिया पर मौजूद एक व्यक्ति ने श्रीनगर पहुंचकर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर पुलिस कर्मियों सीआरपीएफ जवानों को ये दोष दिखाई कि वो प्रधानमंत्री यानी पीएमओ ऑफिस से वाबस्ता है, वहां पर डायरेक्टर है और कश्मीर घूमने आया है। तो महाठग है, कश्मीर घाटी के अलग अलग क्षेत्रों में जाता है सुरक्षा कवर के साथ, गुलमर्ग जाता है, श्रीनगर में लाल चौक में जाता है, यहाँ तक कि उत्तरी कश्मीर के उड़ी जो है इलाके में भी जाता है और बिल्कुल नियंत्रण रेखा पर फोटोएं खिंचवाता है और साथ ही में वहां पर वो रील्स बनाता है, वीडियोस बनवाता है। छोटे अधिकारियों को जो पुलिस और सुरक्षा बलों के थे उनको काफी डर लगा कि गुजरात से आया व्यक्ति है और ये प्रधानमंत्री कार्यालय से अपने आप को जुड़ा हुआ बता रहा है, तो वो उसकी आवभक्ति में लग गए। स्थानीय प्रशासन है उसकी आवभगत में लग जाते हैं, उनको लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च अधिकारी के तौर पर कार्य करता है। लेकिन अब किरण भाई पटेल का खेल खत्म। जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में बैठे गुजरात के इस आरोपी जालसाज की कहानी सबसे चर्चित कहानी बन गई, जो गिरफ्त में होकर भी स्टाइल से बताता है कैसे अधिकारियों को घुमा देता रहा। आने से पहले मैंने डीसी पुलवामा को मैसेज किया था, सर हम इस तरह आ रहे हैं, तो बोले टिकट भेज दो आप, हम
बाकी का अरेंजमेंट कर देंगे। होटल बुकिंग वगैरह हम ललित में चढ़ते, तो हमने होटल बुकिंग करके हम रहे थे वहां पर, हमने एयरपोर्ट से ही गाड़ी रिसीव किया था हमारा, अब कभी भी गाड़ी हमें उसे उन्होंने मैनेज करके रिसीव करवाया। गिरफ्त में आने से पहले खुद को पीएमओ का अफसर बताकर किरण पटेल ने कितना फर्जीवाड़ा किया, सुरक्षा से कितना खिलवाड़ किया, कैसे अफसरों को अपने इशारे पर नचाता रहा, एक एक जानकारी, वीडियो और तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले देखिए फर्जीवाड़े के महाउस्ताद साबित हो चुके किरण भाई पटेल का ठगी वाले खेल का ट्रंप कार्ड, यानी वो विजिटिंग कार्ड जिसमें अशोक स्तंभ की छाप लगी है। नाम लिखा है डॉक्टर किरण पटेल, नीचे पद लिखा गया एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रेटजी एंड कैंपेन्स पीएमओ नई दिल्ली, पीएमओ यानी प्रधानमंत्री का ऑफिस। अपने इसी झूठे जालसाजी वाले परिचय के दम पर दावा है किरण पटेल जम्मू कश्मीर में पहुंचकर सीधे अफसरों को अरदब में ले लेता, इसके कुछ वीडियो सबूत अब आप देखिए। ये वीडियो किरण पटेल के इंस्टाग्राम अकाउंट से मिलते हैं जिसमें सुरक्षा कर्मियों का काफिला दिखता है, ऐसा काफिला जो सिर्फ प्रोटोकॉल के तहत कुछ ही लोग पा सकते हैं, लेकिन ऐसा जाल ये किरण पटेल फैलाता कि अधिकारी इसे वाकई पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर समझ बैठते और ये जालसाज कश्मीर में घूमने लगता, रील बनाने लगता। जालसाजी का वीडियो सबूत नंबर दो देखिए, कश्मीर में झील के किनारे ये कैसे सिक्योरिटी कवर लेकर घूमता है, सुरक्षा कर्मी भी इसे बड़ा अफसर दिल्ली का मान बैठते हैं क्योंकि इस शख्स ने अपना परिचय देकर सबको घुमा दिया। ये तीसरा वीडियो सबूत, ऐसे वीडियो जहां ये फर्जी अफसर लगातार अपने इंस्टा पर डालता रहा, जहां इसके चारों तरफ हर समय जवानों का सुरक्षा घेरा बनाकर रहना पड़ता है, ऐसे वीडियो के दम पर ये संभव है कि लोगों को अपनी ताकत दिखाता रहा, लोग मानते रहे कि ये बहुत बड़ा अफसर है जबकि ये सब कुछ झूठ है। अब चौथा सबूत, पता चला कि ठग खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर कश्मीर में कई बार असली अफसरों की मीटिंग कर डालता था। अब जरा इस फर्जी अधिकारी के झांसे में आए सरकारी तंत्र की गवाही देती पांचवी कहानी देखिए। लाल चौक तक ये किरण भाई पटेल जाता है, साथ में सुरक्षा कर्मी लेकर जाता है, फोटो खिंचाता है, इंस्टाग्राम ट्विटर पर अपने अकाउंट पर पोस्ट करता है, किसी ने कोई शक नहीं किया। जिस जम्मू कश्मीर में हर संदिग्ध पर नजर रखनी होती है, जहां एक चूक बहुत बड़ी गलती बन सकती है, जहां एक लापरवाही सुरक्षा व्यवस्था को धूल धूल कर सकती है, वहां पता चला कि फर्जीवाड़े का नंबर वन खिलाड़ी बन चुका किरण पटेल अक्टूबर से जम्मू कश्मीर में सबको अपने इशारे पर घुमाता रहा, यानी 5 महीने में जम्मू कश्मीर के बड़े अधिकारी किरण पटेल का ठगी का जाल नहीं समझ पाए। दावा है कि सबसे पहले पुलवामा के कलेक्टर के कहने पर फर्जी अधिकारी किरण पटेल ने सुरक्षा घेरा हासिल किया, बताया गया कि 5-स्टार होटल में रुकने तक का इंतजाम अधिकारियों से कराता रहा। सूत्रों के मुताबिक दावा है कि ठग किरण पटेल जब असली के अधिकारियों से मिलता तो आगे उन्हें प्रमोशन या अच्छी पोस्टिंग का झांसा देता, खुद को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का प्रमुख बताकर भी ये ना तो सिर्फ सिक्योरिटी कवर लेकर घूमता रहा, अफसरों को मीटिंग करके ये भी बता देता कि तुम्हारा काम अच्छा है या तुम्हारा काम खराब। सवाल है कि इस फर्जी अधिकारी का झूठ का खेल कैसे 5 महीने बाद पकड़ा गया, ये हम आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे। कमलजीत संधु और सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ पाणी, श्रीनगर आज तक। 5-स्टार होटल में रुकवाना, जेड श्रेणी की सिक्योरिटी लेना, बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलना, कश्मीर में बॉर्डर तक जाना, कई संवेदनशील जगहों पर पहुंच जाना, ये सब कुछ दावा है कि किरण पटेल ने खुद को पीएमओ का अफसर बताकर किया। 5 महीने बाद इस जालसाज को इस महीने 2 मार्च को गिरफ्तार किया गया। इस फर्जी अधिकारी का भेद कैसे खुला, अब आप ये जानिए। गुजरात के अहमदाबाद से श्रीनगर की दूरी 1670 किलोमीटर, इन दोनों के बीच किरण पटेल की जालसाजी का पूरा खेल। एक तरफ अहमदाबाद में उस किरण पटेल का घर जो नकली आईएएस बनकर असली कलेक्टरों को नचाता रहा। किरण पटेल की पत्नी मालिनी यहाँ मिलती हैं। इनसे पूछा गया कि आपको पता है आपके पति कितने बड़े ठग हैं और उनकी ठगी का खेल क्या है? मेरे हस्बैंड डेवलपमेंट के लिए ही गए हैं वहाँ पे, कुछ हाँ। उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया, वो इंजीनियर है, मैं हाँ। डॉक्टर हूँ, उनको कुछ बुरा भी करना नहीं किसी के साथ।
पत्नी डॉक्टर, पति इंजीनियर, लेकिन आरोप पति पर बड़े जालसाजी के और खेल इस तरह खुला। सूत्र बताते हैं कि फर्जी अधिकारी बनकर अब तक काफिले में एक जैमर गाड़ी किरण पटेल जम्मू कश्मीर में पाता रहा। सूत्र कहते हैं कि इस बार फर्जी आईएएस बनकर घूमते किरण पटेल ने दो जैमर गाड़ी देने को कहा। दावा है कि तब सीआईडी को शंका हुई कि ये अधिकारी असली है या नकली। इसके बाद 2 मार्च को सीआईडी ने किरण पटेल के कश्मीर आने की सूचना दी। 5 स्टार होटल के कमरे में ही किरण पटेल से पुलिस ने पूछताछ की, जहां पुलिस के सामने दावा है किरण पटेल का फर्जीवाड़ा टिक नहीं पाया। 2 मार्च को गिरफ्तारी के बाद 15 दिन की रिमांड पुलिस ने हासिल की, जिसके बारे में अभी तब पता चला जब दोबारा रिमांड लेने की बारी आई। अब इस जालसाज के आरोपी के वकील को सुनिए, ये कुछ और कहानी भी बताते हैं। किरण भाई पटेल है, ये यहाँ कश्मीर विजिट के लिए आया था। इसके साथ जो इसके दोस्त हैं, तो वो वहाँ पॉलिटिक्स से इस यहाँ गुजरात में मुंसलिक है। वो वहाँ पॉलिटिकल बंदों के बेटे हैं आधे, तो ये उनके साथ आया था इधर घूमने के लिए। तो बाय दैट मीन्स कि उनको ये सिक्योरिटी कवर बेसिकली मिला था। जांच ये भी होनी है कि किरण पटेल ने सुरक्षा घेरा लेकर क्या क्या किया, और जो अधिकारी इस ठग के खेल को नहीं समझ पाए उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो। कमलजीत संधू और सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ पानी, श्रीनगर आज तक। फिल्म हो या फिर कूटनीति, दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। हाल ही में फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर मिला। एसएस राजमौली की इस फिल्म में रामचरण तेजा और जूनियर एनटीआर ने लीड रोल किया है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ऑस्कर जीतने के बाद रामचरण तेजा ने भारत में इंटरव्यू के लिए सबसे पहले देश के सर्वश्रेष्ठ और आपके पसंदीदा चैनल आज तक को चुना। थोड़ी देर पहले रामचरण तेजा से मैंने बात की, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि वो अवार्ड लेने के लिए नंगे पांव क्यों जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं श्वेता सिंह, और आज बहुत खास मेहमान, क्योंकि जब हम हिंदुस्तान के डंका बजने की बात करते हैं ना दुनिया के कोने कोने में, और वो अगर किसी सुरीले थाप के साथ वो डंका बजता है तो बात ही अलग हो जाती है। नमस्कारम। नमस्ते रामचरण गारू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब पूरी पूरी पूरे देश की भाषा एक हो गई है जी। फिल्म की भाषा वो जी। ये सारे फूल हमने आपके लिए लगाए हैं। थैंक यू सो मच। ये आपके सारे फैंस ने एक एक करके डाला, एक मैं आपको पकड़ा दूंगी। मेरी कांग्रेचुलेशंस। आई विल टेक इट ऑन माय बिहाफ ऑफ माय टीम। टीम के ये टीम की बॉन्डिंग बड़ी नजर आई है आप लोगों की। मतलब मुझे याद नहीं आता कि कहीं पर एक अवार्ड के लिए ऐसे पूरे परिवार की तरह एक टीम चली जाती है। इट इज बिकॉज हम बचपन से हम काम करते थे टुगेदर। मेरा सेकंड फिल्म भी राजमौली साहब के साथ था, एंड अभी 14th फिल्म भी उनके साथ है। सो ऑलमोस्ट उनकी तरीका वैसी होता है, फैमिली जैसा बनना है, नहीं तो मूवी नहीं बनती है। मगधीरा की बात आप कर रहे हैं। मगधीरा की बात, तो मतलब राजमौली एंड रामचरण का कॉम्बिनेशन ही डेडली होने वाला है। जब भी आएगा सर का कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी डेडली होगा। हाँ। हमारे साथ और स्पेशल होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। आपको जब वहाँ पर आपके इंटरव्यूज ही इंटरव्यूज चलते रहे, तब से मतलब मुझे लगता है कि एवरी एक घंटे में एक इंटरव्यू तो आ ही जाता है। हाँ। पर आपने जब आपको एक जर्नलिस्ट ने कहा कि आप अपनी कंट्री को एड्रेस कीजिए, आपने हिंदी को चुना उस टाइम। जी ऑब्वियसली आई हैव टू थैंक द हिंदी ऑडियंस। आई एम सो प्राउड दैट एज अ तेलुगु पर्सन हम इधर आके बाहुबली के टाइम पे हम पहली बार ये बाउंड्री ओपन हुआ हम सब के लिए, हमारे मूवीज के लिए, और इतना प्यार दिया है हमके हमारे लिए और हमारे पिक्चर के लिए। इतना प्यार कि हम हॉलीवुड तक गए अभी। सो आई एम ग्रेटफुल टू देयर लव एंड देयर लव फॉर सिनेमा विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। एंड अभी हम तेलुगु का एक्टर हूँ या तेलुगु स्टेट से हूँ, मगर अभी हम इंडियन भी हैं। इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रेट इंडियन 92 ईयर्स का इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। सो इट इज अ प्राउड मोमेंट एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लाइफ आरआरआर से पहले और आरआरआर के बाद जी बदल गई है पूरी? मालूम नहीं मैडम, अभी तो वापस आया हूँ एलए से, एंड आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड। सब सोक इन हो रहा है मेरे माइंड में, एंड मालूम नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इज इट ट्रू। आई कीप पिंचिंग माई सेल्फ, बट गॉड्स ग्रेट्स, वी हैव अ ब्यूटीफुल टीम, वी हैव अ ब्यूटीफुल कंट्री हु पुश्ड अस टू द वेस्ट एंड वी अचीव्ड इट फॉर द कंट्री। एक बहुत लंबी फिल्म थी लेकिन पता ही नहीं चला कैसे निकल गई थी ये जी। उसमें जो रामचरण को हमने देखा या अलग अलग फिल्मों में जो हम देखते हैं, उससे अलग एक रामचरण दिखते हैं जब वो नंगे पांव जाते हैं
अवार्ड लेने, या फिर जो पूजा पाठ करते हुए दिखते हैं, जो अपने मंदिर को अपने साथ ले जाते हैं, ये कल्चर हमारे रूट्स को अब भूलना नहीं है. एंड रियली दिस इज व्हाट हम रोज करने का एक एक्टिविटी है. हम जिधर भी है, LA है, न्यूयॉर्क है, जापान है, हम ये डेफिनेटली हम करते हैं. रिलीजियस हैं पर नॉट रिलीजियस, इट हेल्प्स मी. आई एम यूजिंग रिलीजन, आई एम यूजिंग माई हनुमान, विच इज माई नेम इज ऑल्सो हनुमान. सो आई यूज हिम टू काम मी डाउन, फोकस करने के लिए बहुत जरूरी होता है एंड आई नीड इट. पर ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है आपके जैसे एक्टर के लिए, एक जो आपकी एक ऑफ बीट अनकन्वेंशनल फिल्म रंगस्थलम अगर मैं गलत नहीं हूँ, या फिर एक RR जैसी एक कमर्शियल हिट फिल्म? जो भी पिक्चर है मैडम, एक एक्टर के लिए मेरे हिसाब से नहीं, एनी एक्टर, डायरेक्टर के माइंड के अंदर जाना है और वो जाने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ एफर्ट. हाँ हाँ मालूम पड़ गया, ऐसे ऐसे एक एटीट्यूड आ जाता है कभी कभी, बट नो, यू हैव टू नो दैट हमारे पहले एक बहुत साल पहले वो लिखते हैं सबके साथ, ही इज वर्किंग, प्री प्रोडक्शन चल रहा है, सो ही नोज द स्टोरी इन एंड आउट. फॉर अस, हमको वो पता करने के लिए बहुत टाइम लगता है एंड थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है. सो दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर मी. मेरा डायरेक्टर सेटिस्फाइड है एक शॉट बनने के बाद, Yes, Ram, अच्छा किया, and then he moves on to the next one. I want to see that reaction. वो reaction के लिए हम तपन बढ़ता है. अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैं कुछ रिसर्च के लिए मैं आपके कुछ पुराने प्रोड्यूसर्स से बात कर रही थी. जी. उन लोगों ने कहा कि रामचरण इज अ सिंगल टेक आर्टिस्ट. जी. जनरली फिल्मों में जितनी टेक्स लगते हैं आपको मुश्किल से 2 से 3. नहीं नहीं नहीं, RRR में तो वो डांस तो 15 टेक भी हुआ मैडम. बट आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट मेरा डायरेक्टर सुकुमार जी. रंगस्थलम किया है ताकि आई थिंक मेरा उनके साथ सिंक बहुत बहुत अच्छा था एंड आई गॉट हिम. एंड जब एक डायरेक्टर को शॉट मिलता है वो बार बार वापस नहीं पूछता क्योंकि उनका भी टाइम वेस्ट है, पैसा भी टाइम वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है. सो आई थिंक दैट फिल्म इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज एन एक्टर एंड दैट वॉज अ वेरी वेरी इजी. इट लुक डिफिकल्ट बिकॉज मैं कभी गाँव गया नहीं और गांव में इतने टाइम बिताया नहीं. सो रंगस्थलम पूरा गांव में शूट किया एंड वो डायरेक्टर भी पूछता था कैसे किया, हाउ डिड यू अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ विलेज. आई थिंक व्हेन यू एंजॉय द कैरेक्टर, व्हेन यू अंडरस्टैंड द डायरेक्टर्स माइंड, वो ऑटोमेटिक बनता है. पर RRR में आपने बहुत रिहर्स किया, बहुत टाइम स्पेंड किया. नॉट द सीन्स मैडम, जस्ट द सॉन्ग्स एंड द फाइट्स, बिकॉज इंजरी नहीं होना चाहिए. सो इसके वजह से हम बहुत रिहर्सल किया, बट द सीन्स द डायरेक्टर एक्सप्लेन्स इट सो ब्यूटीफुली. जिसको एक्टिंग भी नहीं आता ना, कभी कभी बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकता है. खासकर जो लास्ट पार्ट था फिल्म का, उसमें तो एक्शन सीन्स ऐसे थे जिसे देखकर बिल्कुल ओह यस, फायर था एंड योर बेयर बॉडी विद दैट बान एंड एवरीथिंग, यू आर ऑन वायर समटाइम्स. सो इट इज अ वेरी 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 ग्रूसम शूट. डू सम अबाउट 25 डेज टू 30 डेज वो फाइट बान के साथ रामा के गेटअप में किया था. That was the most difficult part. Pressure tha wo, matlab pressure tha. It was scary to walk it because ek bar fire aata tha and he didn't use CG there. All the fire sahi tha, I mean real tha. But it's all worth it. Iske wajah se hum Oscar tak gaye the. पर देखिए ना, ये चीजें हम पूछ रहे हैं, हम फिर भी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को समझते हैं. विदेशों में तो आपसे न जाने क्या क्या सवाल पूछे जा रहे होंगे, जो जो एक ऐसा देश जो सोचता था कि इंडिया सिर्फ मतलब No. पर I mean, इस फिल्म के जरिए एक अलग नजरिया हमने दुनिया को दिया है. I mean, ये सही बात है. ये फिल्म, what is this film? I feel this is India. India is also many states. बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज है, ब्यूटिफुल डायरेक्टर्स है हमारे पास, बट ये तेलुगु स्टेट से जो आ रहा है, ये हमारा मिट्टी का स्टोरी है, हमारे स्ट्रगल का एक स्टोरी है, हमारा फोकलोर है और हमारा रेवोल्यूशन है और हमारा पूरा हमारी हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री से बना हुआ एक फिल्म है. दैट्स व्हाई आई एम प्राउड एंड ये का इधर स्टॉप नहीं होना चाहिए. हमारे ब्यूटीफुल स्टेट्स, ब्यूटीफुल फिल्म इंडस्ट्रीज है, 24-28 स्टेट्स है, द ब्यूटीफुल फोकलोर्स है, सॉन्ग्स है, स्टोरीज है, ये सब आई थिंक ये मिट्टी को नहीं भूलना चाहिए हमारा डायरेक्टर्स. हम अभी क्या, हर साल हम ऑस्कर को जाएंगे. ये जो RRR को लेकर जो पूरा सक्सेस हुआ है, जो सारी चीजें हो रही है, उसके बीच में जो हम सुपर फिट रामचरण को देखते हैं, उसको कितना टाइम मिल पा रहा है इसके लिए? मैडम अभी तो आप सुपर फिट नहीं हूँ, थोड़ा कपड़े में मैं अंदर कवर कर रहा हूँ, बिकॉज
it's been 20 days of madness there. हाँ. And वो time difference, time zone, सब अभी अभी भी मैं अभी आप छोड़ दिया तो मैं सो जाऊंगा अभी पूरा LA time zone में चल रहा है मेरा clock, but it's all worth it. ये बार बार नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ. हम लोग कहते थे सुपरस्टार जी, पर रामचरण इज अ मेगा पावर स्टार. ये पीपल का टैग्स है ना. या आई डोंट रिजेक्ट इट, आई डोंट एक्सेप्ट इट, इट इज माय फैंस हु हैव गिवन इट. I let them enjoy it. I truly wish for whatever they say. और हॉलीवुड में जो आपका काम करने का वो था, आपने अपने लिए विश लिस्ट बना रखी थी, जूलिया रॉबर्ट्स, आपने सारे काम नहीं, जस्ट सिर्फ मिलने के लिए मैं बोला था रेड कार्पेट में, मतलब फैन मोमेंट वाली चीज, जस्ट फैन मोमेंट चीज, यू नो वी ग्रो अप वॉचिंग एंड इट्स अ ब्यूटीफुल. इतना प्यार दिया है उन लोग, हमारे लिए नहीं, वो सिनेमा के लिए दिया है, गुड सिनेमा के लिए इतना प्यार दिया है एंड दे एक्सेप्टेड इट. एंड आई वॉन्ट हर डायरेक्टर, हर आर्टिस्ट, ये डोंट स्टॉप दिस मोमेंट. हमारे इंडिया को हर साल कौन सा भी स्टेट से एक फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म मेकर, प्लीज गो, गिव इट योर बेस्ट, हमारा मिट्टी का स्टोरीज बनाओ. एंड मैं लास्ट दो क्वेश्चंस करूंगी, आप बता भी रहे हैं कि बैठे बैठे आपको नींद आ रही है, पर नहीं क्योंकि अभी तक क्या होता था कि एक भाषाओं में फिल्म इंडस्ट्रीज को बांधा जाता था, पर पिछले कुछ सालों में बाहुबली से भी आपने जिक्र किया, वहां से लेकर RRR तक, और मुझे यकीन है कि एक लंबे समय तक अब वो भाषा की दीवार टूट गई है टोटली. पर अगर इस तरह की बातें होती हैं कि इस लैंग्वेज को, हमारा तेलुगु बेटर, कन्नड़ बेटर, तमिल और हिंदी, इज इट राइट? नो, इट इज नॉट राइट. लाइक आई सेड अगेन, हर भाषा में ब्यूटीफुल स्टोरीज है, ब्यूटीफुल स्ट्रगल्स है एंड ब्यूटीफुल अचीवमेंट्स है. And all that should be made into movies. And we should not ape the Western people anymore in our stories. And because the Western people want to see, like ek China se aaya to Crouching Tiger, Hidden Dragon hai. Ab hamara Korea se Parasite aaya tha. Wo sab mitti ka story hai. Unka mitti ka story hai. Wo hum believe karna chahiye. हिंदी में ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे आप कि या? अभी ये बोल रहा हूँ मैडम, हिंदी अभी पूरा बाउंड्रीज इरेज हो गया. हाँ. एक इंडियन सिनेमा है, हमारा Indian भारत का सिनेमा. करेक्ट. राजनीति शायद कभी कभी देश को उत्तर, दक्षिण या फिर भाषाओं में बांटने का प्रयास करे, लेकिन ये कलाकार देश को एक सूत्र में पिरोते हैं. दस्तक में आज के लिए इतना है. देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक.